हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैशन में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी क्लास 8 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आगे फ्यूचर में कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारे चैप्टर हैं जिसमें पहला चैप्टर हमारा हो गया ये रिसोर्सेस, ठीक है, ये जो कि आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद एक हो गया हमारा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, इस चैप्टर में ना बहुत सारे मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे सब टॉपिक्स हो जाते हैं। लैंड का अलग हो गया, सॉइल का अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, नेचुरल वेजिटेशन अलग हो गया। क्योंकि अगर आप आगे जाके देखेंगे, आगे जो हमारी हायर बुक्स में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि लैंड का एक अलग ही चैप्टर होगा, सॉइल अलग पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो ये जो होगा, मैं इनकी वीडियोज़ अलग अलग बनाऊंगा तो आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सके, एक डेप्थ नॉलेज मिल सके। ओके, एंड तीसरा चैप्टर है हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ओके, फोर्थ एग्रीकल्चर, फिफ्थ इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे, एंड इसमें ह्यूमन रिसोर्स। ये छः चैप्टर हैं जो हम आगे फ्यूचर में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया रिसोर्सेज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज। देखिए, अब रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज इज एनी फिजिकल मटेरियल कंस्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ द अर्थ दैट हेल्प पीपल नीड एंड वैल्यू। ठीक है, देखिए, ऐसी कोई भी रिसोर्सेज जो मतलब हमारे अर्थ पर पाया जाता है, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती हो और उसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जैसे गोल्ड की एक अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है, डायमंड की वैल्यू है, कोल की इतनी वैल्यू नहीं जितनी डायमंड की है, तो उनकी वैल्यू है और वो वेरी करती है हर रिसोर्सेज की, ठीक है। किसी की डिमांड ज़्यादा है। अब एक जगह आप देख लीजिए, आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, और पेट्रोलियम है, दूसरा डीजल है, तो इन दोनों में भी अलग अलग वैल्यू है इन लोगों की, ठीक है, इन दोनों रिसोर्सेज की अलग अलग वैल्यू है। ऐसे ही आपका गोल्ड हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपका जो डायमंड है वो कोल में पाया जाता है, लेकिन कोल की वैल्यू कम है, लेकिन डायमंड की वैल्यू वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज होता है और जो हमारी दोनों ही हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं, पर उनकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। एंड स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये मतलब कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे पाए जाते हैं, ठीक है, कोई रिसोर्स यहाँ पाया जा रहा है तो कोई कहीं पाया जा रहा है, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, रिसोर्स के बारे में देख लेते हैं, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जनरली एक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिल जाए, ठीक है। सेकंड होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिन्हें हमने बनाया है, ठीक है। एंड एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, एक ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इनको हम डेप्थ में लेके जाते हैं आगे पढ़ने वाले। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब अगला हो गया ये, हाँ, नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। देखिए, ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये यार देखिए, मतलब कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है हमने, जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, जनरली उसमें क्या आ जाता है, आपका एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाता है। ये क्या है, हम इन्हें सीधा डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन हम बदल उसमें मॉडिफिकेशन करके तो नहीं ले रहे। जो इनहेल कर रहे हैं वो है नेचुरली, वो हम इनहेल कर रहे हैं। वाटर भी जो है नॉर्मली, वही हम ले रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स, ठीक है। अब इनके भी हमने मतलब कि क्लासीफाई कर दिया टू, मतलब कि दो ग्रुप में, एक होता है देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब इसे भी देख लेते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हूज क्वांटिटी इज नोन, जिन्हें हम जानते हैं, हाँ भाई ये रिसोर्स है और हम यहाँ से इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बींग यूज इन द प्रेजेंट, अभी हम प्रेजेंट में जो यूज़ कर रहे हैं हम, उन्हें क्या कह रहे हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज कह रहे हैं। ओके, देखिए, द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रोर रीजन ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये कोल का एक डिपॉजिट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर हम उसी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसे यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, आप वेस्ट एशिया में चले जाइए, जो भी वहाँ पर पेट्रोलियम है वो हम यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये हमें पता है, नोन है हम लोगों को, ठीक है, और प्रेजेंटली अभी हम इन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू के इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज, ये हम लोगों को पता है, ये रिसोर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, और कैसे इन्हें इस्तेमाल करना ये भी हमें पता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज नाम से ही पता है, पोटेंशियल तो है, बट अभी हम उनसे इतना नोन नहीं है, मतलब अभी इतना हम उनके बारे में जानते नहीं, उन्हें कैसे यूज़ करना है, हुज़ इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, ठीक है, उन्हें कैसे यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी है वो हमें अभी पूरा क्लियर भी नहीं पता, ठीक है। और वो लेकिन है, रिसोर्स कुड बी यूज इन फ्यूचर, लेकिन अभी हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे, शायद हम आगे जाके उन्हें यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें यूज़ कर पाएँ। जैसे कि आपका देख लीजिए, यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है, वो हम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे, आगे फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
एंड इन पास इट वॉज अ विंड मिल्स. जनरली क्या होता था, विंड मिल्स अगर पास में जाए तो वो हमारे लिए एक तरीके का पोटेंशियल रिसोर्सेज था. पर आज के टाइम में ये आपको नीदरलैंड में ही मिल जाएंगे विंड मिल्स वगैरह, गुजरात में ही मिल जाएंगे एंड तमिलनाडु कोस्ट पर मिल जाएंगे. जनरली ये कोस्टल रीजन में होते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज आपको पता लग गया होगा, एक्चुअल रिसोर्स बढ़ गया. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो अभी हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं और जिनकी क्वांटिटी हमें नोन है. ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी जिन्हें अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है. ठीक है, या इतना हम अभी अवेयर नहीं है उसके बारे में. ओके ठीक है, अब आते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड. अब देखिए इनके मतलब कि हम ओरिजिन से भी पता लग सकते हैं इनको डिवाइड करा गया. एक तो अबायोटिक और बायोटिक. ठीक है, जैसे नाम पे पता लग रहा है अबायोटिक. अबायोटिक मतलब वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है. ठीक है, जो जिंदा नहीं है. ठीक है, वो हम उन्हें क्या होता है जनरली हमारे सॉइल्स हो गया, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये क्या है अबायोटिक है लेकिन इनकी हमें नीड है. ठीक है, इनकी एक वैल्यू है. ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. ठीक है, जनरली जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो जिंदा हैं. ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए आर बायोटिक रिसोर्सेज. ठीक है, लाइव स्टॉक वगैरह हम पालते हैं वो भी हमारे लिए, प्लांट्स का जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वेजिटेबल वगैरह, तो ये भी एक हमारा बायोटिक रिसोर्सेज है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, एक होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरा होता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, आप देखिए इसमें भी आपको अंतर पता होना चाहिए. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे नाम पे गौर करेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाएं, दोबारा बन जाए. भाई एक बार इस्तेमाल कर लिया हमने तो वो दोबारा मिल जाए. ठीक है, विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली. ठीक है, जल्द से जल्द बन जाए. जैसे आपका सोलर एनर्जी देख लिया, कितनी भी यूज़ कर लें लेकिन हमारे पास है वो, दोबारा मिल सकती है. विंड एनर्जी कितने भी यूज़ कर लें हम, उसका कितना भी इस्तेमाल कर लें लेकिन वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पर जैसे जनरली मेंशन भी करा है, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम चाहे जितना भी यूज़ कर लें वो हमारी एक्टिविटीज़ का उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इतना. ओके, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देख लेते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जनरली देखिए लिमिटेड स्टॉक होता है इनका. ठीक है, गेट एग्जॉस्टेड है ना, मतलब ये खत्म हो जाते हैं एक पल के बाद ये खत्म हो जाएंगे. हम अगर इन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं दोबारा बनने में. ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स में ये दोबारा रिन्यूड होते हैं. ओके, उनका एग्जांपल देख लेते हैं, कोल हो गया थे, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इन्हें थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगे हैं और इन्हें हम दो मिनट में इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. कहीं ना कहीं जिस तेज़ी से हम इन्हें कंजम्पशन कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ये रिन्यू नहीं होते. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा. और ये तो आपका जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना रिन्यू भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये है कि आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं कंजम्पशन कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी में है एज़ कम्पेयर टू के वो जो रिन्यू हो रहा है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. ये हो गया नॉन रिन्यूएबल, आप समझ में आ गया होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, सॉरी रिसोर्सेज क्या होते हैं. ओके ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी. अब देखिए ये अभी ये आपके दो तरह के इसमें भी कैटेगराइज कर दिया डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज को. ठीक है, एक यूबिक्यूटियस एंड लोकलाइज्ड. ठीक है, तो ये कौन से रिसोर्स देते हैं, यूबिक्यूटियस के बारे में पढ़ लेते हैं. रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर. ठीक है, उन्हें कहते हैं हम यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज. ठीक है, ठीक है, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, हर कहीं मिल जाते हैं हमें. ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, विंड हो गया, सनलाइट हो गया. ठीक है, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितना भी यूज़ करो वही एक फॉर्म इधर इन्होंने बना दिए. ठीक है, एंड ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम जितना यूज़ करेंगे ख़त्म नहीं होंगे और हर कहीं मिल जाते हैं. ये कहने के कहीं एक जगह पे मिलते हो और दूसरी जगह पे नहीं मिलते, हर कहीं अवेलेबल है. ठीक है, तो ये आपका एयर हो गया, विंड हो गया, सनलाइट हो गया. अब लोकलाइज्ड को देख लेते हैं हम, दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस. ठीक है, ये लोकेशन के, अब देखिए कोई स्पेशल जगह है वहीं पर ही मिलेगा. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लोकलाइज्ड हो जाता है. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज फला जगह पे ये चीज़ मिलेगी. ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन कोर हो गया, इनके एक पर्टिकुलर डिपॉजिट होता है. अब कहीं भी जमीन खोदने लगो तो वहाँ कॉपर वगैरह आयरन कोर नहीं मिलेगा, तो एक इनकी पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, उन्हें हम कहते हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर. ठीक है, अब जैसे ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका मतलब कि डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं, तो उनका मतलब कि इन फैक्टर पे डिपेंड करता है. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का ट्रेंड कैसा है, तो ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज वो मिलते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा हो, ऐसा रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाया हो. ठीक है, ऐसा रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाया हो तो हम उन्हें क्या कह रहे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह रहे हैं. समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज.
ओके ओनली वैन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो रिसोर्सेज हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम उन्हें मॉडिफाई करें, जब हम उन्हें कुछ दूसरे चेंज में ला सकें, तभी वो हमारे यूज़ में आएगा। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। अब देखिए, जो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हीं की हेल्प से ये सब बना पाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बना पाते हैं, स्टील लगता है उसमें, ठीक है, आपका आयरन लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब उनका इस्तेमाल करके हम ये बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स वगैरह के लिए आपको यहाँ पर चारकोल वगैरह होता है, तो वो कोल वगैरह कहाँ से आता है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हम उनका हेल्प करके, हेल्प से रोड्स बना रहे हैं, मशीनरी तैयार कर रहे हैं, उसमें आयरन लग रहा है, व्हीकल्स बना रहे हैं, उसमें स्टील, आयरन, सब चीज़ लग रहा है, बहुत सारे मेटल्स लगते हैं, ओके, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हमने किसकी हेल्प से बनाए, नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर दिया, देन वो बन गया हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और टेक्नोलॉजी को भी आप देख सकते हैं, एक तरह का ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ओके, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स वो रीज़न है जो हमारे लोग हो गया, एक इंसान हो गया, वो भी एक तरह का रिसोर्सेज है। अगर हम इसे अच्छे से ट्रेन कर देते तो जो नेचुरल रिसोर्स है उन्हें कैसे यूज़ करना है, उन्हें कैसे कन्वर्ट करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाना है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस रिसोर्स का भी प्रॉपर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ठीक है, एक इंसान ही ऐसा चीज़ है जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके और रिसोर्सेज बना सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे हैव नॉलेज, हमारे पास स्किल होता है, टेक्नोलॉजी अगर होगी तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कहलाया जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की भी वैल्यू, अगर देखें आप, एक इंसान है, एक IAS ऑफिसर है, और एक जो बंदा है नॉर्मल है, बंदा एक चपरासी है, कुछ है, तो इनमें वैल्यू है, क्योंकि एक बंदा जो वहाँ पहुँचा है तो उसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तब वो बना है वहाँ पर, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स की एक वैल्यू हो जाती है, एक डिफरेंस आ जाता है उनकी, किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से उनका, और हेल्थ की वजह से भी आप देख सकते हैं। हेल्थ कोई है मतलब कि फिट बंदा है, और एक है जिसके पास मेल न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर डिफरेंस हो जाता है बंदे में। तो एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, हेल्थ बच्चों को दे सकें, हर किसी को हेल्थ इजीली प्रोवाइड हो जाए, तो क्या होगा, एक हम अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना सकेंगे, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होगा वो मजबूत होगा, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके बारे में देख लें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, ठीक है, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स is known as human resource development, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपने क्वालिटी ऑफ पीपल की जो स्किल्स हैं उन्हें बढ़ा दें, और तो इससे क्या होगा, जो हम और रिसोर्सेज को बना पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। हम कहीं ना कहीं प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करा के, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करा के, प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड करा के, जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब हम प्रॉपर एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, ठीक है, स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे, नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे क्या होगा, वो और रिसोर्सेज बना पाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए, अब कहीं ना कहीं हम इतना इनका यूज़ करते जा रहे हैं डे बाय डे, तो इनका कंजर्व करना भी हमें इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका ज़्यादा अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए हमें इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपनी भी ज़रूरत को पूरा कर लें और फ्यूचर के लिए भी वो बच जाए चीज़, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, ठीक है। ये कि नहीं बस उन्हें निकाले जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करे जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, और ताकि वो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए हमें, मतलब सस्टेनेबली यूज़ करने चाहिए रिसोर्सेज, तो ताकि वो फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके, ओके। डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, ठीक है। जो चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान हो रहा है, वो हमें मिनिमाइज करना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब भाई देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसे इस रिसोर्सेज को यूज़ करना कि अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाए एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए वो चीज़, ओके। अब ये देखिए, अभी कुछ प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इसके भी देख लेते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी है, फ्लोरा फौना है, उस सबकी मतलब हमें केयर करनी है, तो जितने भी हमारे फॉर्म ऑफ लाइफ हैं उनकी हमें केयर करके चलना है, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे इंप्रूव होती है भाई, उन्हें हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं, स्किल्स नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हम उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। कंजर्व द अर्थ विलिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, हमारी जो अर्थ पर डाइवर्सिटी है उसे भी हमें कंजर्व करना है।
मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कहीं हद से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी देख के चलना है, ठीक है, उसे हमें कम से कम कहीं ना कहीं कम करना है, ओके. एंड चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड हो रहा है लेकर के चीज़ों को, उसे भी हमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा. एंड एनेबल्स कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कम्युनिटी एक्शन को प्रमोट करना पड़ेगा कि भाई इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंजर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा और लाइफ बचेगी ही नहीं, ओके. तो आज ये हमारा चैप्टर था, ये हमने कवर कर लिया. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये चैप्टर, एंड कुछ ना कुछ तो आपने नया ज़रूर सीखा होगा इससे. एंड अब हम ये हमारे जो चैप्टर है, अगला चैप्टर हम उसमें लैंड, सॉइल, वाटर, इससे रिलेटेड देखेंगे, एक एक सब टॉपिक को लेकर के चलेंगे एंड अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है. मिलते हैं अगली वीडियो में. और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज डालता रहता हूँ मैं चैनल पे. और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, यही एक मोटिवेशन है कि अगर कोई और भी इससे कुछ सीख लेगा तो ये एक मोटिवेशन के लिए रहता है मेरे लिए, ठीक है. लाइक कर दीजिएगा वीडियो एंड कमेंट कर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.